इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, दिल थाम के बैठिए, अब मेरी बारी आई। दुनिया में है नहीं कोई ऐसी हूर जिसे देखकर आपके चेहरे पर आ जाएगा नूर, और जिसे देख आप गुलाब लुटाने पर हो जाएंगे मजबूर। वो कोई और नहीं है हमारे इसी गुलदस्ते का एक कोहिनूर, मुस्कान। चांद पर्दे के पीछे क्यों छुप गया? अरे बाहर तो आओ। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा स्वागत मिलता है। देख कितने लोग बेकरार बैठे हैं तुझे देखने के लिए। आज ऐसा नाच कि सब तेरा ही गुणगान करे, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो क्या है ना, मैं तेरा जन्मदिन खराब नहीं करना चाहती। आजा। बस कुछ घंटों का तमाशा है, उसके बाद इस महफिल में सिर्फ एक ही रानी होगी, मेरी बेटी। इस गली से सीधा इनके कोठे तलक। अच्छा, सही सुने, कोठा बोला कि क्या बोला भाई? भैया जी पगला गए हैं क्या? कोठी को कोठा सुन रहे हैं? आपको तो अपने दिल के साथ अपने कालू का भी इलाज करा लेना चाहिए। सही कह रहे हो भैया जी, कोई बड़े बाप की औलाद लगती है हमारी दूर वाली मैडम जी, हर जगह ही छाई हुई है। हाँ लेकिन हमें कभी लगी नहीं रहे, हमें हमेशा बहुत ही साधारण सिंपल स्वीट लगी। ये समझ नहीं आ रहा हमें, नहीं मतलब एक बात बताओ हमें कि कौन सा बाप अपनी बेटी के लिए पूरी गली में पोस्टर लगवाता है? कुछ तो गड़बड़ है भैया जी। अब यहाँ पे भी डिटेक्टिव बने हुए ना, इसलिए आपको हर जगह डाउट लग रहा है। मेरी मान तो चलिए घर तक। रौनक पीछे मुड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ, कुछ सवालों के जवाब चाहिए हमें, क्योंकि ऐसी जगह पे दूर वाली मैडम के पोस्टर, कुछ गड़बड़ है। शट अप एंड फॉलो मी, चलो चल के पता लाते हैं कौन सा बाप अपनी बेटी पे इतना खर्चा करता है। जी क्या हुआ? वो देखिए कौन, रुई ढूंढने की मशीन। भैया जी हम जैसे चार रुई के एक का मुकाबला नहीं कर सकते, अगर उन्होंने हमें पहचान लिया ना तो ढूंढ देंगे रुई की तरह किसी गड्ढे में। अबे ऐसे कैसे ढूंढेगा बे, इस चकन्ने सांड को चकमा देना। रौनक को अच्छी तरह आता है।
भगवान, मुसु का तो डांस शुरू हो गया है और उसके बाद नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। क्या करूं, कैसे करूं? भगवान कहाँ है तेरा कमाल, कहाँ है तेरा फरिश्ता? कुछ तो कीजिए भगवान। देखिए, पहले ही बहुत देरी हो चुकी है और अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे तो हमारी मजदूरी कट जाएगी। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के बड़े चोचले होते हैं, हमारी मजदूरी और आपकी नौकरी। भैया जी जाने दीजिए ना, अंदर फंक्शन शुरू हो चुका है, वैसे भी दया कीजिए थोड़ी। भैया आपकी नौकरी जाएगी, सोच लीजिए। ठीक है ठीक है, क्या हमें तो पहले कोई झोल लग रहा, हाथों को पूरा का पूरा झोला निकला, तो भी घुंघरू वाला। तो यदि आपको नचाने वाली तो खुद नाचने वाली निकली। मुस्कान, तो कैसा लगा आप लोगों को हमारे कोहिनूर का नूर? आप लोगों को देखकर तो लग रहा है कि इसके नाच और इसकी खूबसूरती ने आपका मन मोह लिया है और आपका जोश सुन के यकीन भी हो गया। देखिए इसे, देखिए इसकी तस्वीर, ये एक सितारा है और इस सितारे को पाने के लिए सबको लाल गुलाब नजराना पेश करना होगा।